हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक यूनिवर्सल यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र एसएससी रिज़ल्ट 2019 के रिजल्ट्स आने ही वाले हैं और आजकल बस स्टूडेंट्स को वेट करना पड़ रहा है। वैसे ये जो है 6 तारीख को आने वाले थे। इसके बारे में मैं आपको पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ कि ऐसी खबरें आ रही थी कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन कक्षा 10वीं की परीक्षा के परिणाम 6 जून को जारी करेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। वही परिणाम को लेकर बोर्ड ने अब तक कोई औपचारिक घोषणा नहीं की है। ऐसे में उम्मीद है स्टूडेंट्स को थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार महाराष्ट्र बोर्ड कक्षा 10वीं परिणाम 2019 की घोषणा 10 जून को की जा सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका जो रिजल्ट्स है वो 10 जून तक आ सकता है, तो आप देखते रहें, चेक करते रहें। जिन स्टूडेंट्स ने परीक्षा दी है वे महाराष्ट्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट mahresult.nic.in पर जारी कर दी जाएगी, इसलिए इसको आप वेबसाइट को चेक करते रहें। बता दें, इस साल कक्षा 10वीं की परीक्षाएं 1 मार्च से 22 मार्च तक आयोजित की गई थी और 10वीं की परीक्षा में 17 लाख से भी अधिक स्टूडेंट्स मौजूद थे। वहीं पिछले साल जून 8 को महाराष्ट्र बोर्ड 10वीं के परिणाम जारी किए गए थे और परीक्षा में 17,51,353 स्टूडेंट शामिल हुए थे। महाराष्ट्र एसएससी रिजल्ट 2019 कैसे देखना है आपको परिणाम में, ये भी आपको बता देती हूँ। आपको स्टेप टू स्टेप देखना है। सबसे पहले आपको वेबसाइट पे जाना है, आपको mahresult आपको टाइप करना है, फिर डॉट, फिर nic.in, ठीक है। और इसके बाद आपके पास पेज खुल जाएगा एसएससी रिज़ल्ट 2019 के लिंक पर आपको क्लिक करना है। अब वहाँ पर अपना रोल नंबर, जो भी आपका रोल नंबर है और जो भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो वो मांगेगा उसको आपको फिल करना है। उसके बाद आपको रिज़ल्ट, आपका रिज़ल्ट स्क्रीन पर दिखने लगेगा और आगे फ्यूचर के लिए आप उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं, ठीक है। और इन वेबसाइट पर भी देखें रिज़ल्ट, आपके कुछ और भी रिज़ल्ट के लिए साइटें हैं, जैसे कि maharesult.nic.in, results.nic.in, results.maharashtra.duc8ion.com, इस पर भी आप देख सकते हैं। और कैसे था पिछले साल का रिजल्ट, पिछले साल कक्षा 10वीं में 89.41% छात्र पास हुए थे। पिछले साल रिजल्ट की बड़ी बात यह थी कि 125 छात्रों को 100% मार्क्स मिले थे, वहीं 63,331 छात्रों को 90% से ज़्यादा मार्क्स मिले थे। अंतिम परिणाम की जाँच के लिए छात्रों को महाराष्ट्र राज्य बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि maharesult.nic.in पर लॉगिन करना होगा, और आधिकारिक वेबसाइट के अलावा छात्र examresult.net और indiaresult.com पर भी अपना परिणाम देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप देखते रहिए, वेबसाइट पर चेक करते रहिए। आई होप बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।